अगर वो एक वचन है तो एस या ईएस आएगा, और अगर थर्ड पर्सन में भी वो बहुवचन है जैसे दे तो दे थर्ड पर्सन है और बहुवचन है, तो थर्ड पर्सन में भी अगर वो बहुवचन है तो उस क्रिया में एस या ईएस नहीं आएगा। इसको और भी आसान तरीके से आप यो समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट स्टार लगाओ और लिखो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, इतना सा समझ लो आप, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के चक्कर में पढ़ने की भी आपको जरूरत नहीं है, मैं और आसान तरीके से समझा रहा हूं कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का प्रयोग होगा, ओके। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल नंबर है, पी एन है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई प्लस गा। कुछ भी नहीं जुड़ेगा, बस आई और यू को अलग से याद रखने की जरूरत है। आप लिखो रिमार्क या टिप्पणी, टिप्पणी इसमें यह हो गई कि आई तथा यू, इसको माना जाएगा अंग्रेजी में पी एन प्लूरल नंबर, हालांकि ऐसा नहीं है, आई और यू को अंग्रेजी में प्लूरल नंबर नहीं मानते। जो असली कारण है वो तो यह है कि आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू सेकंड पर्सन होता है, तो मैंने बोला अगर फर्स्ट पर्सन किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ईएस नहीं जुड़ेगा, सेकंड पर्सन है तो भी एस या ईएस नहीं जुड़ेगा, लेकिन थर्ड पर्सन है तो जुड़ेगा अगर वो एक वचन है तो, और बहुवचन है तो नहीं जुड़ेगा। परंतु आप इसको और आसान तरीके से समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर है तो वर्ब के अंत में एस या ईएस जोड़ो, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो वर्ब में कुछ भी मत जोड़ो परंतु आई तथा यू को प्लूरल नंबर मानो, यानी आई तथा यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं जोड़ना चाहिए, ओके। प्रश्न यह है कि कब जुड़ती